हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए। यदि आपका वोटर कार्ड अभी तक बना नहीं है तो आप इस वीडियो को देख कर आप सीख जाएंगे वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। चलिए हम यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग यहाँ पे दे रहा है, हम अपना लैंग्वेज सेटिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम तो इंग्लिश रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे पूछ रहा है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यदि आप नया अप्लाई करना चाहते हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, एस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम आज पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। इसमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट स्टेट, इसमें से हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा स्टेट रहेगा। हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है नीचे, उसके बाद हम इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे असेंबली एरिया मतलब पूछ रहा है विधानसभा क्षेत्र, इसमें से हम अपना असेंबली एरिया चुन लेंगे। चलिए हम अपना असेंबली एरिया चुन लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, जो भी आप जन्मतिथि भर रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ। यदि मार्कशीट से भरे हैं तो मार्कशीट अपलोड करेंगे, यदि आधार कार्ड से अपलोड किए हैं भरे हैं तो आधार से अपलोड करेंगे। जिससे भी हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका रहेगा आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे नीचे दिया है अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, चलिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अपलोड वाले पे। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, प्लीज़ इंटर योर पर्सनल पिक्चर। यहाँ पे अपना हम फोटो सेलेक्ट करेंगे, चलिए अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अपलोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नाम पूछ रहा है, जो भी नाम है हम इसमें नाम भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, यदि है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए हमारे पास है तो हम दे ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप किसी जान पहचान का भी यहाँ पे दिया है नीचे ऑप्शन, मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव, आप किसी जान पहचान जो भी आप लोग का है उनका भी चाहे तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, यदि आपके पास है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर हम ऑप्शन छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रिलेशन टाइप में, यहाँ पे फादर का नाम चाहे मदर का नाम चाहे वाइफ का नाम, जिस हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हमारा तो फादर ही रहेगा, इसमें हम जो भी है भर लेते हैं। यहाँ पे हमने फादर का नाम भर दिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे भर देंगे। सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे जो भी आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस रहेगा वो वाला बैक साइड का यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके अलावा भी कोई आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे आपका एड्रेस प्रूफ हो गांव का, तो वो चाहे तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पूछ रहा है रिलेशन टाइम में, यदि रिलेशन टाइम में ही भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है दोबारा से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ विलेज पूछ रहा है, विलेज जो भी आपका विलेज रहेगा, गाँव का नाम रहेगा, यहाँ पर टाउन शहर जो भी है भर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आप कब से रह रहे हैं, आपका जहाँ अपना जन्मतिथि भर देंगे, जो भी है। यहाँ पे हमने सब कुछ भर दिया है, फिर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सब कुछ अपना दोबारा से मिला लेंगे, जो भी कुछ है। यहाँ पे हम कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, सब कुछ हमारे सही है। तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली ऑन डेट 15/2023, हमारा ये रेफरेंस नंबर भी आ चुका है। उसके बाद हम इस नंबर को कॉपी करके रख लेते हैं, अगर चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, यदि थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।